रोड के बीच में खेला जाएगा। ये फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का 28 तारीख को मंगलवार को 12 बजे दिन से मझवलिया प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला मंगलवार को 28 तारीख को खेला जाएगा। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक थे बिट्टू नॉन स्टैंडिंग एंट्री बल्लेबाज हैं नित्या रवि सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तमाम दर्शकों से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। पहली गेंद गेंदबाज डालने के लिए तैयार। स्वागत आदाब नमस्कार आप लोगों सभी का दिलशान क्रिकेटर यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल में स्वागत है आप लोगों का। लाइव से जुड़े रहें और फॉलो कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। परेशानी वहां पर स्ट्राइकिंग गेंद के छोर पे मौजूद बिट्टू तिवारी पालगंज ने टॉस जीत कर अपने करने का निर्णय लिया। स्टांस लेने की तैयारी में और पुनः अपनी गेंदबाजी में रवि सिंह पहुंचना हो रहा है बेहतरीन ऑलराउंडर के फहरिस्त में। अगर नाम लिया जाए तो रवि सिंह देखते कौन सा टीम आज घटना चक्र में तो किसी बार आ जाए ये कौन जानता है। लेकिन पहली गेंद शाहीन पड़ी है वाइड का संकेत मिला है हरिश्चंद्र मांझी का एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ एक रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात पहली गेंद शुरुआती समय की और दिशाहीन पड़ते हुए रवि सिंह के द्वारा स्ट्राइक पे है बिट्टू। सोलह ओवर के खेल में शुरुआत के जो चार ओवर यानी 24 गेंदे होगी वो पावर प्ले के दायरे में। दो गेंद यहाँ पर रवि सिंह के द्वारा एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है दो रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर की गेंदबाजी अभी कोई लीगल गेंद जायज गेंद डाली नहीं गई है। बिट्टू खेल रहे हैं अगले दिन को खेला कवर के क्षेत्र में जब तक दीप एक्स्ट्रा कवर से भाग कर आरपी खिलाड़ी गेंद को उठाया जाता है एक रन लेने का मौका और इसी क्रम के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ तीन पे जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात नित्या और बिट्टू की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। नित्या होंगे पहली बार स्ट्राइक पे लेफ्ट आर्म से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं रवि सिंह गेंदबाजी करने के लिए। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है फाइन लेग है पॉइंट पे खिलाड़ी है कवर के ऊपर नहीं आया है माफी चाहता हूं प्लेयर लिस्ट नहीं आई है मेरे पास खिलाड़ी मौजूद लेफ्ट आर्म के बल्लेबाज के लिए। अभी गेंद और इस बार गेंद को उठा के खेला है इशारे का इंतजार होगा और चार रन का इशारा हरिश्चंद्र मांझी के हाथों से और पहला चौका अर्जित करते हुए पहली गेंद पे बल्लेबाज नित्या चौके के साथ अपने खाते का शुरुआत किया और टीम को पहुंचा दिया सात रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। पहले ओवर की गेंदबाजी मझवलिया छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर के गेंदबाज रवि सिंह। इस बार अगली गेंद ऑफिशियल से थोड़ी सी बाहर बल्ला को पीछे किया नजरों के देखरेख में जाने भर दिया विकेट कीपर की दिशा में कोई रन बनाने का मौका नहीं सात रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। दिलशान क्रिकेटर सलीम रोड और जफर एंजेट के फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव प्रसारण इस मुकाबले का और सभी मुकाबले का। अगली गेंद और इस बार लोअर ट्रेजर की गेंद फुल टॉस बनाते हुए गेंद को उठा के खेला छह रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर शानदार छक्का। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 13 रन और इसी का मैं जिक्र कर रहा था निश्चित तौर पे निजाम भाई ये जो ग्राउंड है अगर गेंदबाज कोई 10 रन 12 रन खर्च करता है अपनी गेंदबाजी में तो वो गेंदबाज बेहतर गेंदबाज की फहरिस्त में शुमार किया जाता है क्योंकि इस तरीके के मुकाबले में इस ग्राउंड के ऊपर 20-20 रन आसानी के साथ बनाए जाते हैं। अगली गेंद जाने भर दिया विकेट कीपर की दिशा में कोई रन बनाने का मौका नहीं रन संख्या स्कोर बोर्ड पे दोहरे अंक को क्रॉस कर चुका है 13 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात टॉस जीता गोपालगंज ने आमंत्रित किया सलीमपुर को बल्लेबाजी करने के लिए। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है 13 रन बिना किसी नुकसान के नीचे रहती हुई गेंद बल्ला जोर से खींचा था अपील भी किया गया ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद गेंद बल्ले को छूटी हुई विकेट के पीछे पहुंची थी। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या है 13 रन। विकेट की अगर बात की जाए तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात बिट्टू और द्वितीया की जोड़ी नेतृत्व कर रही है ग्राउंड के ऊपर सलामी जोड़ी सलीमपुर की तरफ से
वही मुख्य अतिथि आज कमेंट्री बॉक्स में विराजमान श्री मनीष मिश्रा जी, पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 15 पंचायत राज रामदास बेली जिनकी उपस्थिति इस कमेंट्री बॉक्स में नजर आ रही है। और ये जो ग्राउंड है जहाँ पे मुकाबला बेबसी है, ये जमीन इन्हीं की है जिस पर मुकाबला और पूरा टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ पिछले जो सत्र रहे हैं उसी ग्राउंड के ऊपर होते रहे हैं। बनिंदर पांडे जी पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या और गोपालगंज खास पंचायत कमेंट्री बॉक्स में नजर आ रही है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रही है गेंदबाज। खेला जो दूसरा ओवर चालू है, कौन है गेंदबाज दूसरे ओवर में? विनय विनय गेंदबाजी कर रहे हैं सामने होकर बल्लेबाज कर रहे हैं। बिट्टू तिवारी थोड़ा सा विकेट से दूर खड़े, अभी गेंद जमीन को छूटी हुई गई जा रही है दो खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी भाग कर आता दूसरा निकल के पलट रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया जाएगा। थ्रो अगर थोड़ा सा और तेज आया होता तो नॉन स्टेडी गेंद पे डेंजर जोन में जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन किसी को पता नहीं कि गेंद हाथ में आई नहीं थी। और दो रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 15 पे जा पहुंचा है बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। 16 ओवर के खेल में टॉस गंवा के पहले बल्लेबाजी कर रही है सलेमपुर उत्तर प्रदेश की टीम, वही टॉस जीत के गोपालगंज मुंडा 11 की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। फर्स्ट ट्रीटमेंट की जो भी व्यवस्था है आप जान रहे हैं, उसको ग्राउंड तक पहुंचाया जाए। खिलाड़ी के हाथ में संभावित चोट लगी है लेकिन चोट उतना गहरा है नहीं। देखा जाए गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। दूसरे ओवर की गेंदबाजी 15 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या, विकेट की अगर बात की जाए तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात नित्या और बिटू की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नेतृत्व कर रही है सलेमपुर की तरफ से। बिटू स्ट्राइक के होंगे, नित्या नॉन स्ट्राइक गेंद पे डेंजर जोन पे आए थे नित्या, लेकिन किस्मत वाले थे कि गेंद गेंदबाज के हाथ में सही से पहुंची नहीं। दूसरी गेंद दूसरे ओवर की लूज किस्म की गेंद थी, झूम के मारना चाहते थे लेकिन ये सफल हुए नहीं। गेंद उनके बल्ले के ऊपर से होती हुई सीधे पहुंची मेहराब के क्षेत्र में। रन संख्या अभी भी 15 पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी में बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात गेंदबाज तैयार। अगली गेंद यॉर्कर होती है, वहां पर यॉर्कर गेंद एक ऐसा विकल्प होता है किसी भी गेंदबाज के लिए जहां से आप रन बनाने की जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगा सकते हैं। बिल्कुल उसी हथियार का इस्तेमाल किया गेंदबाज रवि ने विनय ने और गेंद सीधे पहुंची बल्ले के निचले टोपे। अगली गेंद हवा में गेंद कुछ समय के लिए लेकिन जाएगी 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन अभी भी इशारे का इंतजार और इशारा आ रहा है धर्मेंद्र बैठा का 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ रन संख्या 6 रन मारता हुआ 21-21 रन पे जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात की जाए तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और इस वक्त बिटू तिवारी और नित्या की जोड़ी सलेमपुर की तरफ से नेतृत्व कर रही है। सामने है बिटू, हवा में कुछ समय के लिए जरूर लेकिन जो स्लिप हुआ करता है पॉइंट और थर्ड से के क्षेत्र का वहां पर धारी एक रन लेने का मौका जब तक बाउंड्री लाइन के छोर से गेंद को उठाया जाता। इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से गतिशील होता हुआ दो ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ टॉस गंवा के सलेमपुर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। और आने वाले ओवर में क्या कुछ घटित होगा निजाम भाई को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इन चार पंक्तियों के साथ कि जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पे उनके ही माता पिता का राज होना चाहिए, जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पे उनके भी माता पिता का राज होना चाहिए और जिनके बच्चे सरहदों पर है हिफाजत के लिए उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए, उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए। निजाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, और ये शानदार मुकाबला चलता हुआ दो ओवर की समाप्ति हुई, टोटल स्कोर है 22 रन। और हमारे बीच से निकलकर
अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अगले गेंद को मात किया है लोगों के ऊपर से 6 रन के लिए। आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय पंचायत राज रामदास बगली से बीडीसी और इस ग्राउंड के मालिक महेश मिश्र जी का प्रस्थान हो रहा है हमारे बीच से। और बरिया खास क्षेत्र संख्या 8 से बीडीसी मरिंदर पांडे जी का भी हमारे बीच से प्रस्थान हो रहा है। इन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त हमें प्रदान किया, अपने बेशकीमती वक्त को यहाँ पे लगाया। इसके लिए कमेटी के तमाम सदस्य बंधु और जितने भी खिलाड़ी बंधु यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी दर्शक मौजूद हैं, सभी की ओर से दोनों महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर सर तीसरे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। रवि का गेंदबाजी के मोर्चे पे कंटिन्यू रखा है कप्तान ने। रवि चले गेंद अच्छी गेंद और यहाँ पे मौका था कैचआउट करने का, बाद में लाकर गेंद को रोकने का प्रयास बिगाड़ गया और अच्छी फील्डिंग, अच्छा बचाव किया मिडल क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने। जब शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को हल्के से शॉर्ट आर्म पुल किया था, जरा सी शॉर्ट ऑफ लग गया थी, पुल किया था, गेंद और बल्ले का सही जगह पर संपर्क नहीं हुआ था। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को खिलाड़ी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया, गेंद उनसे रुकी नहीं, छिटकी और लंबे क्षेत्र में बैठते हुए अच्छा फील्डिंग किया गया। पीछे गेंद आउट कर दिया था बगैर किसी रन के, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, जरा सी नीचे रहते हुए गेंद। तो इस ओवर की पहली गेंद पर एक मौका बना दिया था रवि ने। तो हमारे चीफ गेस्ट महोदय मनीष मिश्र जी हमारे बीच से जा चुके हैं और स्पीच इस गेम को लॉक कर दिया है। पूरी जमीन मनीष मिश्र जी की है, हर साल उन्हीं की जमीन में इस ग्राउंड को खेलने के लायक बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मिश्र जी। रवि चलिए गेंद अच्छी गेंद आप सब जाते हैं कट भी हटते थे, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास पर बिल्कुल भी नहीं, किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड रन कहें, शॉर्ट थर्ड रन क्षेत्र में स्लिप कोई नहीं है, एक गली के पोर्शन पे खिलाड़ी मौजूद है, एक शॉर्ट कवर है, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल मिड ऑन है, लेग ऑफ बाउंड्री पर शॉर्ट मिड विकेट, इस पिच स्केल को कट करना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग बकोर पॉइंट क्षेत्र में भागते हुए 30 कच्ची घेरे पर खिलाड़ी ने गेंद को अपने कब्जे में किया बगैर किसी रन के। टोटल स्कोर है 36 रन बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अच्छे ओवर की समाप्ति हुई है अब तक। रवि ने अपने 2 ओवर में 3 ओवर के समाप्ति पर 36 रन सलेमपुर ने बनाया, 27 रन अवश्य खर्च किए हैं, लेकिन एक मौका उन्होंने बना दिया था, बल्लेबाज को लगभग उन्होंने आउट कर ही दिया था, तिवारी थे, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, सही जगह पे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को कैच करने का प्रयास अवश्य किया था खिलाड़ी ने, अंतिम क्षण में ड्राइव भी लगाया लेकिन गेंद हाथों में आने के बाद छिटक गई थी। बहरहाल इसमें स्ट्राइक एंड पे है नित्या, जो की बाएं हाथ के बेहद ही शानदार बल्लेबाज है। सामने गेंदबाज विनय फुल टॉस पे लेते हुए ऑफसाइड में उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑफिसम से काफी ज्यादा बाहर गए, वाइड ओवर करने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ एक बार धर्मेंद्र का। इस वाइड के सारे स्कोर का पहुंचा 37 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी चलती हुई ये गेंद और गेंद को लॉक कर दिया है शानदार तरीके से लोगों के ऊपर से हार इन हाल काफी दूर के लोगों बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद जरा सी ओवर पिच है पैरों की तरफ आ रही है, हाई पैक लुक के सारे गेंद को लॉक कर दिया, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, उछलता हुआ स्कोर पर पहुंचा 43 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला है सलेमपुर की टीम को और इस बार स्विच हिट किया है गेंद, क्या कहेंगे स्वाद फॉर्मर कहे या फिर डीप स्पार में कहे, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जरा सी शॉर्ट पिच गेंद और धूम का पुंग कर दिया गेंद को, स्विच हिट सही मायनों में कहे तो, क्योंकि माए हाथ के बल्लेबाज है उल्टी दिशा में राइट हैंडर की तरह गेंद को पुल किया था और गेंद डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में चली गई 6 रनों के लिए। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है, पावर प्ले का आखिरी ओवर, स्कोर है 49 रन।
फिर से इस गेंद को उठाल कर खेला है। वन बाउंस के बाद गेंद बॉलर के बगल से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। बार बार खराब गेंद कर रहे हैं प्लेयर और इसका खामियाजा उनको अब तक भुगतना पड़ा है। शॉर्ट पिच या फिर ओवर पिच, ऐसी गेंदबाजी से बचने की आवश्यकता है। स्कोर का पहुंचा 53 रन। फिर से इस गेंद को लॉस किया है। सभी गेंदों को बाउंड्री के बाहर, अब तक जितनी भी चार गेंदें हुई है इस ओवर की, सभी गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज कृपया। और ये खतरनाक बल्लेबाज है। अगर ये कुछ देर और टिक जाए तो फिर शॉट पे शॉट अंतिम चरणों में गेंद को ड्राइव लगाकर रोकने का प्रयास किया था विकेट कीपर ने। उनके दाहिने तरफ से होती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई चार रन के लिए और बल्ले का इशारा कर रहे हैं एम्पायर हरीश। तो बल्ले से लगने के बाद ये गेंद बाउंड्री के बाहर गई। तो अपने पहले दूसरे ओवर में विनय ने काफी ज्यादा रन खर्च किए, सभी गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब रहने दिया। चार ओवर की समाप्ति हुई है, टोटल स्कोर 69 रन विकेट के नुकसान। चार ओवर के समाप्ति पर 69 रन से लेकर टीम बना के खेले हैं कि अपने दूसरे ओवर में विनय ने 33 रन खर्च किए हैं, जिसमें चार छक्के दो चौके और एक वाइड। और आगे क्या कुछ होगा इससे पहले कि बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म होते हुए चार ओवर की समाप्ति के पश्चात बुलेट की भांति दौड़ता हुआ कुल रन संख्या 69 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ। और दोनों बल्लेबाजों ने हंगामा बर्पा कर दिया है ग्राउंड के ऊपर। पिछला ओवर जो था 33 रन जिसमें चार छक्के और दो चौके आए, आखिरी बाएं हैं नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। हवाली गेंद स्लिप से होती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, लेकिन इशारे का इंतजार होगा कहां तक यात्रा करेगी गेंद और जाएगी अंतिम मकान के लिए। चार रन बाउंड्री लाइन से बाहर, खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या भी छलांग मारता हुआ 73 रन पांचवें ओवर की गेंदबाजी में। और रनों का जो सैलाब आया है उसका पूरा श्रेय जाता है पिछले ओवर में जिस तरीके की बल्लेबाजी की नित्या ने। चार छक्के और दो चौके यानी सभी गेंदों पे बाउंड्री अर्जित करने में कामयाबी हासिल की। आखिर चले दूसरी गेंद हवा में गेंद, लेकिन टटेल बॉल का चांस, आखिर खुद पोजिशन कर रहे हैं और बाहर विकेट होगा। इस तरह से बीटू आउट होकर वापस जाएंगे। पहला झटका लगता हुआ 73 रन पे सलेमपुर को, लेकिन एक अच्छी शुरुआत साथी हुई शुरुआत फिर शुरुआत कही जा सकती है। अगर पांचवा पहला झटका लगता हुआ 73 रन यात्रा कर रहे हैं तो श्रेय जाता है कि आपके सलामी बल्लेबाजों ने 3 खोल के रन बनाए हैं। पांचवें ओवर की गेंदबाजी में 73 रन एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज बीटू तिवारी, जिनका जाना हो चला है बल्लेबाजी करके। और कुल जितने ज्यादा रन बनाए बीटू तिवारी, 14 गेंदों का सामना किया, 28 रनों की पारी खेली जिसमें एक चौका और 3 छक्का शामिल था। स्ट्राइक रेट रहा इनका 200 रनों का, 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके वापस गए हैं, जबकि 381.12 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 42 रन बना के नित्या नए बल्लेबाज सिकंदर बल्लेबाजी करने के लिए वापस आए हैं। और एक ऐसे समय में बल्लेबाजी करने के लिए सिकंदर आ रहे हैं जब उनकी टीम को शुरुआत मिल गई है और यहां से 14 गेंद में 28 रन का पारी खेला है बीटू तिवारी ने। पिछले मुकाबले में काफी शानदार पारी सिकंदर की, 76 रनों की एक शानदार पारी सिकंदर के बल्ले से आई थी। पहला विकेट जब अर्जित किया है मुन्ना झोनेद रन के गेंदबाज आकिब ने, तो देखा जाए अगली गेंद उनका हौसला कहां तक कारगर रहता है। विकेट के पीछे तैयार मेहरा फर्स्ट स्लिप के स्थान पे है कप्तान अशोक, तैयार गेंदबाजी करने के लिए आकिब।
फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, जब पावर प्ले का अनुबंध संपन्न हुआ है तो पिछड़ा हुआ फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रहा है, लेकिन अपनी गेंदबाजी बात से थोड़ा सा इस 30 गज दायरे के ऊपर एक खिलाड़ी दिया है आखिर ने अभी गेंद को खेला, जरूर सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा जब तक भाग कराते डीप एस वाले बाउंड्री से खिलाड़ी हिदायत अली गेंद को उठाते तब तक एक रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 74 पे। पांचवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज बिट्टू तिवारी जिनका विकेट गिरा आउट होकर वापस लौट चुके हैं। गेंदबाज आकिब चले और इस बार चांस है, हाथ में गेंद जाएगी, दूसरा विकेट मिलता है यहाँ पर और नित्य अधिकारी का भी खात्मा होता हुआ और आकिब जावेद ने क्या घातक गेंदबाजी की और अपने पहले ही ओवर में आगे छा गए। दोनों सलामी बल्लेबाज को डग आउट का रास्ता दिखा दिया है, नित्य वापस जा रहे हैं 42 रन की शानदार पारी खेलकर अर्धशतक से चुके वापस डगआउट की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन जिस साधी हुई शुरुआत के लिए आए थे वो शुरुआत अपनी टीम को दिला के जा रहे हैं। सामना किया नित्य ने 42 रनों की शानदार पारी खेली थी जिसमें 3 छक्के और 5 छक्के शामिल थे उनके इस शानदार पारी में, जबकि 5 छक्कों पे अगर नजर डाला जाए तो 4 छक्के दिए गए ओवर में ही नित्य ने लगा दिए मारे थे पहले ओवर, उनकी पारी का खात्मा वापस लौट चुके हैं 74 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के पश्चात पांचवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आके जावेद अपने पहले ओवर में 2 विकेट निकालने में सफल रहे, नए बल्लेबाज कौन है जिनकी वापसी हुई है? सचिन नित्या के जगह पर बल्लेबाज जिनकी वापसी हो रही है बल्लेबाजी करने के लिए, बता दूं नित्या ने अपने पारी बहुत अच्छा गए हैं, आके जावेद पारी खेला है दोनों सलामी बल्लेबाज को वापस भेज दिया है, पूरे के पूरे बाउंड्री मारा है, 4 छक्का 2 चौका मारे किया था, कमर के ऊपर बिल्कुल रोचक फील्ड प्लेसमेंट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार आकिब जावेद हर शब्द को क्रॉस करते हुए जाएंगे। बढ़िया गेंद लेकिन उनका ही शानदार सम्मान दिया बल्लेबाज सचिन ने और गेंद लुढ़कती हुई कवर के क्षेत्र में पहुंची, खिलाड़ी तैनात वहां पर, कोई रन बनाने का मौका नहीं, रन संख्या स्कोर बोर्ड पे पांचवें ओवर की गेंदबाजी में 74 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ और इस बार टकराई बल्ले के ऊपर जरूर लेकिन बल्ले के मोटे वाले भाग को छूती हुई जमीन को चूमती हुई गेंद भेगा इस रन के ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ सफल ओवर संपन्न हुआ यहां पर। गेंदबाज आदित्य जिसमें 5 रन आए और 2 महत्वपूर्ण विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज इसी ओवर में आउट होकर लौटे। छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत चंद मिनटों के पश्चात होने जा रही है और किस गेंदबाज को वापस लाया जाता है गेंदबाजी करने के लिए ये देखने वाली बात रहेगी। लाइव प्रसारण के माध्यम से न सिर्फ अपने देश बल्कि दूर दराज खाड़ी देशों से जुड़े हुए तमाम अपने दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो जुड़े हुए हैं दिलशान क्रिकेटर सलीम पुर और जफर एंजेड आजमगढ़ के फेसबुक पेज से जो लाइव प्रसारण इस मुकाबले का देख रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आए ही गेंदबाजी करने के लिए, और इस बार 30 फुट के अंदाज में गेंद को उठा के खेला, थर्ड स्लिप के ऊपर से गेंद होती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंची 4 रन के लिए। कादिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बता दूं एक बार और हिंदुस्तान क्रिकेटर सलीम पुर में आपका स्वागत है फेसबुक चैनल यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए जितना से जितना अधिक कर सके। इस बार तो आपने दावत दे दिया, आप गए मुझे मार कबूल किया उसको और गेंद को टांग के खेला हर्षंगबाजी के ऊपर से 6 रन के लिए शानदार छक्का और इस खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर बोर्ड छलांग मारता हुआ 84 रन पे जा पहुंचा है बगैर किसी 2 विकेट के नुकसान के पश्चात ये दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। गेंद का इशारा किया जा रहा है, गेंद को ग्राउंड तक पहुंचाई जाए,
छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या इस वक्त 84 रन, दो विकेट के नुकसान के बाद प्रगति 84 रन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला लेमपुर बनाकर खेला है, जो कि दो विकेट जीत चुका है। बिट्टू तिवारी और कप्तानगंज के बीच में कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला यानी बिट्टू तिवारी और नित्या दोनों ही अच्छा पारी खेलकर आउट हो चुके हैं। सलेमपुर पुलिस अध्यक्ष बहालगंज श्री मुकेश पांडे ओवर के प्रगति पे 84 रन माननीय विधायक खुचाय को हमला कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी के। छठे ओवर की गेंदबाजी 84 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या, दो महत्वपूर्ण विकेट जो गंवाए गए हैं वो विकेट बात धन्य जो धूप पर होता नित्या और बीटू तिवारी। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर आए खातिर गेंदबाजी करने के लिए तीन गेंदे दो गेंदे डाली गई है और दोनों गेंदों पर बाउंड्री अंकित किया है बल्लेबाज ने। पहली गेंद चौका में तब्दील किया और दूसरी गेंद को खूबसूरत छक्का में तब्दील किया। इस तरह से 10 रन दो गेंदों पर कादर के ओवर में आए हैं। छठे ओवर की गेंदबाजी में 84 रन दो विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या डालने के लिए कादिर तैयार हो रहे हैं। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज स्ट्राइक पे बिट्टू तिवारी सलेमपुर के तरफ से खेल रहे थे, आउट होकर चले गए हैं। इस बार हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन सीधे पहुंची डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर। बुलेट की रफ्तार से 4 रन के लिए शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 88 रन। विकेट के पीछे मौजूद हैं गेंदबाज कादिर, तीन गेंदें डाली जरूर है लेकिन तीनों गेंदों पे बाउंड्री अर्जित किया है बल्लेबाज। जी हाँ, सिकंदर ने बाउंड्री को आप खूबसूरत प्रहार कादिर के पहले ओवर में। चौथी गेंद लेकर कादिर जा रहे हैं धर्मेंद्र बैठा को छोड़ने के साथ। कोशिश किया था बड़े स्ट्रोक का लेकिन सफल हुए नहीं, गेंद बल्ले को चीरती हुई निकली विकेट कीपर मेहराब आलम की दिशा में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 88 रन दो विकेट के नुकसान के पश्चात दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। गेंदबाज कादिर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने है सिकंदर रजा। अगली गेंद एक बार फिर से वही हाई की गेंद चूके पूर्ण रूप से और गेंद निकली मेहराब की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 88 पे शानदार वापसी पिछली दो गेंदों पे कादिर के द्वारा की गई है और पिछली दो गेंदों को छटाया है बल्लेबाज सिकंदर को। आखिरी गेंद छठे ओवर की हवा में गेंद और सीधे कमेंट्री बॉक्स में 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और विजय शर्मा ने कैच लगता है। स्कोरर है जो इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में उनके हाथ में सीधे गेंद आई। ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पर 94 रन दो विकेट के नुकसान के पश्चात और आगे चलकर ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे इन 4 पंक्तियों के साथ सूरज भाई कि हम लोग कभी जुल्म के आगे न झुकेंगे। हाथों में तिरंगा है तिरंगा ही रहेगा। हम लोग कभी जुल्म के आगे न झुकेंगे। हाथों में तिरंगा है तिरंगा ही रहेगा और आवाज आती है शहीदों के लहू से। कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। धन्यवाद सौरभ भाई, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को सूरज का नमस्कार। आज जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है सुबह का सलेमपुर और गोपालगंज के मध्य यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार का यह मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। सभी दर्शक दिल थाम के बैठेंगे, बहुत बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। फिलहाल ना की पास है गेंदबाजी करने के लिए इनके घोड़े का दूसरा टीम का 7वां ओवर और सामने जो बल्लेबाज है सचिन जो कि पिछले मैच के हुए रहे थे, ये दोनों ही बल्लेबाज जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं सिंह बेकर के स्तर थे, वो दोनों ही बल्लेबाज पिछले मुकाबले के हुए रहे थे। निश्चित ही बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ था जो कि 200 रनों का चेस किया था दोनों बल्लेबाजों ने। आज की ये गेंद हवा में बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही शानदार शॉट।
के साथ अपना खाता खोला। जता दिया कि पिछले पारी की दोहरान हम फिर से शुरू कर दिया है। परिस्थिति बहुत ही बेहतरीन साहब और इस छक्के की मदद से स्कोर बेहतर हुआ। इस समय तीसरे अंकों में स्कोर जा पहुंचा। 100 रन पूरा होता हुआ शुभ देकर सिलेंट बोल रहा 6.2 गेंदों में बल्लेबाजी करने का न्योता मिला और स्वीकार किया उसको। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी की। अच्छी गेंदबाजी दोनों ही जो सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे उसके ब्राम लगाया रोक लगाई और नए गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं के बल्लेबाज सिकंदर जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज है। निश्चित रूप में पिछले मुकाबले में 86 रनों की बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और जीत का नींव रखा था सिकंदर का सिलेंडर का। फिलहाल इस समय कादिर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे सिकंदर कादिर के गेंदों को बड़ा प्रारंभ किया बिट्टे पे पहुंचे ये गेंद हवा में खेला है इधर सिकंदर मौजूद और आसान सा कैच तीसरा झटका लगता है इस समय सिकंदर का सिलेंडर को। इस तरह की शुरुआत मिली थी सिकंदर का सिलेंडर के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत दी थी उसका फायदा नहीं उठा पाए सिकंदर। एक और विकेट गिरता हुआ सिकंदर सिलेंडर के नजरिए से और एक और विकेट प्राप्त किया है गोपालगंज की टीम ने। कादिर ने एक और सफलता दिलाई अपने टीम को। दोस्तों भाई और सलाम आदाब प्रणाम में आपका स्वागत है। गगन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए जानते थे गगन को लेकिन गगन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए के कारण कुछ शिखरों में ललापन आ जाती है तो दिखाई कम पड़ने लगती है। खासकर मुझे तो नहीं पड़ने चाहिए शाहरुख भाई क्योंकि मैं तो सूरज हूँ मुझे चमकना चाहिए दिखना चाहिए लेकिन मुझे भी कम दिखाई दे इस चमक से। मैं दो पक्तियां तो नहीं लेकिन चार पक्तियां रखना चाहूंगा कि मैं रास्ता भी जानता हूँ मैं चलना भी जानता हूँ मैं आग हूँ तबीयत सा जलना भी जानता हूँ। मुझे मौन समझने की गलती मत करना गगन जी मैं सूरज हूँ डूब के निकलना भी जानता हूँ। तो निश्चित ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है गगन। किस तरह की बल्लेबाजी किया जा रहा है सिलेंपुर को एक अच्छा न्यू व्यक्ति के फिलहाल लेकिन पिछले भी गेम को देखा जाने दिया लेकिन दिशाहीन गेंद एम्पायर धर्मेंद्र बैठे का इशारा आता हुआ दोनों ही बाजियों को हवा में लगाया संकेत दे दिया वाई का अतिरिक्त सहारे को रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 103 रन 0-3 पर वैसा 3 विकेट सलेमपुर। फिलहाल इस समय कादिर की गेंद फुटबॉल खेला है गेंद स्थिति बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई एम्पायर की
चरण मिड विकेट के ऊपर से खेला था। उत्तर प्रदेश बनाम बिहार के मध्य मुकाबला चलता हुआ, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला शू ब्रेकर सलीमपुर मोहित लेमन को और उनके दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने उसको भरपूर उस न्योते को स्वीकार किया और अच्छी बल्लेबाजी की। खासकर जो उस मैच का जो लाइव दिखाया जा रहा है जफर एंड जिंड और दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर, इन दो महाभारों का बहुत बड़ा योगदान होता है क्षेत्र के किसी भी उत्तर प्रदेश या बिहार में कितना भी दूर टूर्नामेंट हो, ये दोनों महानुभाव बहुत मेहनत करते हैं। खासकर इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसका मैं खुद अध्यक्ष हूं, मिस्टर सूरज यादव श्री जटहावीर बाबा रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट लाखों बार 2023 भाटपा रानी, जिसमें विजेता टीम को 1,00,000 रुपए का कैश इनाम राशि और विजेता टीम को 50,000 रुपए का नगद इनाम राशि दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज 11,000 रुपए। फिलहाल इस गेम के बाद कार्य दौड़ा प्रारंभ करेंगे। अंपायर ने क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद अच्छी गेंद और बल्कि गेंद तोड़ दे सकते उठ गया, फिर चौथ रन सोल किया कादिर ने, रन भी कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ इसको 109 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर इसमें प्रगति पे जो कि अभी भी इनकम्प्लीट चलता हुआ कादिर के द्वारा, इसलिए चाहिए गेंद दिशा इनको छोड़ के जा रही थी भाई, कैसा अंपायर का अतिरिक्त सहारे एक और रन बढ़ता हुआ सलीमपुर सी ब्रेकर से खाते में, स्कोर बढ़कर फिर 110 101 3 विकेट के नुकसान पर सिंह बेकर सलीमपुर का। फिलहाल इस समय मछवरिया एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं कादिर, फिर से उसी लाइन की गेंद लेकिन इस बार अच्छी गेंद की जाएगी, देखा बल्लेबाज सिकंदर गगन से क्षमा करेंगे और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं, अभी वो स्कोर पर ही रुका हुआ 110 रन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल इस गेंद के बाद लेकिन सोडियम गेंद भरपूर फायदा था बल्लेबाज गगन ने और ऊंचा लंबा शॉट 113 मीटर का लंबा छक्का गगन के बल्ले से, बहुत ही बेहतरीन लंबा छक्का गगन के बल्ले से निकलता हुआ एक छक्के के मदद से स्कोर जा पहुंचा 116 रन। 8वां ओवर इस समय कारी के द्वारा जो इनकम्प्लीट चलता हुआ, पांच गेंदे इस ओवर में हो चुकी, अंतिम गेंदे लेकर तैयार थे गगन के लिए कादिर इस आगे ओवर की। हाँ, खेल रहे सफर इस समय दौड़ा प्रारंभ के अंपायर को क्रॉस किया विकेट पर पहुंचे लेकिन साथ ही गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति और 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 116 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर के समाप्ति पर इस मैच में आगे कुछ क्या होगा हमारे साथी सलीमपुर, लेकिन मैं 4 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। कभी मैं आगे का आपको देखा हाल के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथी कमेंटेटर निजाम भाई का और मैं आप लोगों से अपने घर के लिए प्रस्थान के लिए विदा लेना चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे गोरखपुर निकलना है। फिलहाल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई और आपके जाते जाते ये 4 लाइन आप तक पहुंचाना चाहता हूँ फारूक भाई आपके लिए भी, कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका,
ये सबका वतन है, संभालो इसे, ये सबका वतन है, संभालो इसे। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए, यॉर्कर लेंथ की गेंद, करारा प्रहार करना चाहते थे, गेंद बल्ले से उलझने के बाद शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में गई, रवि स्वयं दौड़ते चले गए और गेंद को अपने कब्जे में किया बगैर किसी रन के। 8.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ है, टोटल स्कोर है 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी, वही गोपालगंज के गेंदबाज चाहते हैं कि जल्दी से वापसी की जाए, किसी भी तरीके से इस जोड़ी को तोड़ा जाए, लेकिन अगली गेंद को पेडल शूट के अंदाज में खेला है, बाउंड्री से लगता खिलाड़ी अपने दाहिने तरफ भागते, गेंद को अपने कब्जे में करके थ्रो करें, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को तय किया, स्कोर तक पहुंचा 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का नवा ओवर प्रगति पर है, रवि जो कि स्ट्राइकर गेंदबाज है गोपालगंज की टीम के, अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है अपने कोटे के 3 ओवर में, पारी के 9 ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर कप्तान ने इनको लगाया है, अपना एंड चेंज किया है, राउंड का विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से, ये गेंद अच्छी गेंद, शानदार गेंद, खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के भीतरी किनारे से लगने के बाद डिफ्लेक्ट हुई, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में स्वयं विकेट कीपर ने दौड़ लगा के गेंद को फील्ड किया, इस बीच बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका एक रन पूरा करने का, इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शू बेकर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, ये गेंद आउटसाइड जेफरसन, यॉर्कर लेंथ की गेंद, वाइड यॉर्कर, कुछ नहीं कर सके बल्लेबाज, गेंद की लाइन में आना चाहते थे, ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे सचिन, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के, स्कोर अभी भी 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रवि चले ये गेंद और स्पर्श गेंद को ड्राइव किया है लोअर बाउंड्री पर, इसको लेखा थी गेंद जब तक लोअर बाउंड्री पे खड़े खेल फील्डर के द्वारा फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया, इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 119 रन, पारी का नवा ओवर प्रगति पर है। फरुख भाई, हमारी और आपकी बातें होती रहेंगी, कितना रन प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कितना अनुमानतः स्कोर बनना चाहिए आपके हिसाब से? 200 के आसपास पहुंचेगी सलीमपुर की टीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन खेल है, आने वाली गेंदों पे किस तरीके का बल्लेबाजी करते हैं सलीमपुर के बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 119 रन स्कोर बोर्ड पे है, 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। शुरुआती समय में जिस तरह से नित्या और बीटू तिवारी ने बल्लेबाजी की, उस तरीके की बल्लेबाजी अगर 4-5 ओवर में निकल जाए, 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात 119 रन विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या है, तो उस तरीके की बल्लेबाजी अगर चले तो बेहतर लक्ष्य की तरफ पहुंचेगी। डेविड बिला और पोलार्ड का आना शोर से बल्लेबाजी करने के लिए, तो मजबूती के साथ जाएगी यहाँ से सलीमपुर की टीम, इसमें कुछ रन हुआ है 9 ओवर के प्रगति पे, मुझे लगता है कि आने वाले बल्लेबाजों के पास पूरा लाइसेंस है, बता सकते हैं सलीमपुर की टीम ने 9 ओवर में 19 रन बनाकर खेला है, जो कि 3 विकेट गंवा दिया है सलीमपुर, फुल स्पीड में आगे बल्लेबाजी कर सकते हैं टॉप गियर के साथ, फुल स्पीड मायने में डेविड बिला और किलन पोलार्ड को इस तरीके की बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है, जब आपका बुनियाद बेहतर नहीं जाए, नींद जब आपको बढ़िया मिल जाए तो फिर मंजिल खराब होना सुनिश्चित है, आने वाली बल्लेबाज बेहतर विकल्प के साथ रन बनाएंगे। लेकिन एक और बात है फारूक भाई, क्रिकेट की जो अनिश्चितता होती है उसको भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसा भी देखने को मिला है कि कभी कभी हमने अक्सर बता सकते हैं भाई कि उसकी प्लेयर लिस्ट हमारे पास नहीं है, जो प्लेयर को मैं देखूंगा वो आपको तुरंत बता दूंगा, और अंतिम अंत तक जाते जाते 300 या 350 के आसपास भी टीम सिमट जाती है। सही मायने में क्रिकेट की यही अनिश्चितता क्रिकेट को लोकप्रियता और मकबूलियत के शिखर पर पहुंचाती है, क्रिकेट में कब क्या हो जाए ये अनुमान लगाना सटीक बैठता नहीं है, और यही का एक कहा जा सकता है, इसी का एक सिलसिला मझवलिया प्रीमियर लीग में बिल्कुल गोपालगंज जिले के पश्चिमी छोर पे मझवलिया के इस ग्राउंड पर चल रहा है। 10वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है, 119 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान के पश्चात सफल गेंदबाजों के फहरिस्त में नाम आकिब जावेद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं मझवलिया छोर से, और ये जो 3 विकेट अब तक मिले हैं जो 3 विकेट अब तक गिरे हैं उसमें से 2 विकेट शुरुआती जो सलामी बल्लेबाज थे उन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने में सफल होते, आकिब कोटे के 3 ओवर में चले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, कट करना चाहते थे, आउटसाइड एम्पायर धर्मेंद्र का
इशारा वाइड का आता हुआ, हालांकि कट भी हैंड की अपील हुई थी, लेकिन हेलो गेंद ऑफ से काफी ज्यादा बाहर थी, बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर, और अंपायर धर्मेंद्र ने इस गेंद को वाइड करार कर दिया। स्कोर जा पहुंचा 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद पैरों से टकराने के बाद गेंद हवा में उछली, कड़ा प्रहार करना चाहते थे सचिन, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और बाकी का काम स्वयं अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने किया बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई, अभी भी डेविड विला और पुराण जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है शिव बेकर सलेमपुर की तरफ से। इस बार इस गेंद को खेल दिया, वहां पर किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, छक्के का इशारा आता हुआ है पार्थ धर्मेंद्र बैठा का। तो छक्के की मदद से उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंदी पैरों की तरफ आती हुई, बल्लेबाज ने अच्छे तरीके से गेंद को जज किया और लॉफ्ट कर दिया गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई। दूसरा सेमीफाइनल दिखाने आऊंगा। चले चले ये गेंद लेगेसन के बाहर, फुल टॉस पे लेना चाहते थे लेकिन गेंद बल्लेबाज के पहुंच से दूर वाइड करार कर दी गई। इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 127 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 10वां ओवर प्रगति पर है। ये गेंद आउटसाइड जा रहा था, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड और एक के उसके बाद वाली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, तो समझा जा सकता है कि गेंदबाज बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस दर्जे के गेंदबाज है आखिर अगर उस तरीके का प्रदर्शन कर जाए तो फिर मामला बन सकता है। फिलहाल इस गेंद को लॉस कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जैसे देखा कि गेंद जहां से शॉर्ट ऑफ लेंथ है शरीर की तरफ आ रही है, घुटने को हल्का सा जमीन में मोड़ते हुए हॉरिजॉन्टल पैड से सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 134 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आकिब जावेद चले सचिन के लिए, ये गेंद फुल टॉस पे लेते हुए गेंद को ड्राइव किया, बॉल के मदद से निकलती हुई गेंद दलदलाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कभी फुल टॉस तो कभी ओवर पिच, और ऐसी गेंदों पे चूकने वाले नहीं है सचिन जैसे बल्लेबाज। पैरों की तरफ आती हुई गेंद फुल टॉस पे लेते हुए बिल्कुल सीधे बल्ले से कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ड्राइव कर दिया, दलदलाती हुई गेंद गेंदबाज के पीछे 4 रनों के लिए चली। गेंद और कट कर दिया, वहां पर गेंद तीसरी गली के पोजीशन पे खड़े खिलाड़ी से और बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए फील्ड में क्षेत्र में 4 रनों के लिए। स्कोर का पहुंचा 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 10वां ओवर प्रगति पर। आखिर चले चले एक बार फिर से उनकी ये गेंद, इस बार सिंगल को उठाया खड़ा है, खड़ा हो सकता है, नीचे खिलाड़ी रवि मौजूद है शायद सफाई के साथ गेंद पकड़ कर चले गया और काफी ने कह दिया गोपालगंज की तरफ से गोपालगंज की टीम में जाता हुआ तो सलेमपुर को चौथा झटका लगता होगा। चार विकेट गिर चुका है, लगभग 10 से 12 कदमों की एक छोटी दौड़ लगाई और आसानी के साथ गेंद को अपने कब्जे में सफल करने में सफल रहे और इस तरीके से चौथे विकेट का पतन होता हुआ 142 रनों के कुल पे। तो इस तरीके से 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और विकेट का पतन हुआ, टोटल स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति पर 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का नाम बता दें और इससे पहले कि आगे का खेल शुरू, माइक्रोफोन पर आपके अगले कमेंटेटर होंगे फारूक अहमद साहब। सलेमपुर की तरफ से धीरज खेलने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई, नए बल्लेबाज धीरज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या है 142 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे। सोलह ओवर को होता 10 ओवर के लास्ट में ना वो चल रहा है। आई लला हमें लला दुरुका चोगे दादा छाया बेलवा से दुका
कभी कौन गोरी और निकल मामले के साफ़ हाँ हाँ रेखना बोल बाली खोलो लगा नाटा बेलावा नाटा बेलावा नाटा बेलावा नाटा बेलावा पास बिना वही पास अजिल ताज का जी के लगे पोल लगे कि कौन सा नहीं जाए कोई लेरो ना कोई लेरो नहीं जाए तो उधर बच गए तीन मिनट गेंदबाजी की शुरुआत गुड्डू गेंदबाजी करने के लिए तैयार बहुत बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात बल्ले को चीरती हुई गिरी विकेट कीपर के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं पिछले मुकाबले के हीरो थे गुड्डू छह विकेट लिया था गेंद से और जब बल्लेबाजी की नौबत आई तो 28 रनों की शानदार पारी खेली थी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हिदायत अली बहुत दूर गेंद को भेजा है और गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए माउंड लाइन से बाहर आप इस मैच का भांगड़ा का भी उठा सकते हैं मजा उठा सकते हैं 16वां छक्का निकला है और पूरे टूर्नामेंट का 133वां छक्का था ये रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 148 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात हमें ओवर की गेंदबाजी चल रही है मझौलिया प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मझौलिया के इस ग्राउंड पे चल रहा है तैयार बल्लेबाज गर्म बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है धीरज कुमार गेंदबाज गुड्डू चले ये हमारे गेंद और जाएगी छह रन के लिए बाउंड्री से बाहर बैक टू बैक दो छक्का मार इस बार बहुत खूबसूरत खेला है कदमों का इस्तेमाल करके शानदार छक्का बाउंड्री लाइन बाहर के साथ 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 160 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात मझौलिया प्रीमियर लीग सीजन 8 का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला जुनेद मुन्ना 11 गोपालगंज ग्राम सलेमपुर के बीच में चल रहा है जिसमें टॉस जीता जुनेद मुन्ना 11 गोपालगंज ने पहले आमंत्रित किया सलेमपुर को बल्लेबाजी करने के लिए और उस चुनौती को खूब स्वीकार किया सलेमपुर के बल्लेबाज ने 11 ओवर के समाप्ति के पश्चात 160 रन है स्कोर बोर्ड पे 16 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान के पश्चात सहयोगी की भूमिका में विवेक जो बैठा अविनाश बैठा मनीष कुमार टुनटुन गुप्ता विजय शर्मा और मनीष शर्मा सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ 12वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए तैयार है कादिर सामने है बल्लेबाज धीरज स्ट्राइक पे गेंदबाज कादिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार 160 रन स्कोर बोर्ड पे गोल रन संख्या
और इस बार चुके हैं वहां पर भी गेटकीपर गेंद निकलेगी बाउंड्री से बाहर, इशारे का इंतजार, चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर, लाइन के बाहर। शानदार चौके के साथ 164 रन स्कोर बोर्ड पर गोल्डन संख्या 1644 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पर गोल्डन संख्या है 12वें ओवर की गेंदबाजी में। ये बढ़िया गेंद टप पड़ने के पश्चात पिछली गेंद जो रफ्तार भरी थी विविधता के तौर पर डाली गेंदबाजी में लाई यहां पर गेंदबाज कादिर ने, और गेंद टप पड़ने के पश्चात बल्ले को छोड़ती हुई निकली, विकेट कीपर की दिशा में कोई गेंद बनाने का मौका नहीं। इस बार बढ़िया गेंद और गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन के लिए शानदार चौका। और इस शानदार चौके के साथ स्कोर बोर्ड भी गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है 168 रन, 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 168 रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या, चार विकेट के नुकसान के पश्चात। इसके बाद आने वाला चार ओवर जो बचा हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है अब यहां से जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है 220-230 के ऊपर जाने वाली है सलेमपुर की टीम। अगली गेंद उठा के फिर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, बैक टू बैक बाउंड्री यहां पर धीरज के लिए, और शानदार छक्के के साथ रन संख्या पहुंचता हुआ 174 रन स्कोर बोर्ड पे, 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 174 रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या। धीरज स्ट्राइक पे है, गगन नॉन स्टैंडिंग गेंद पे है। अगली गेंद और इस बार फिर से स्ट्राइक खेला है विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का, बैक टू बैक छक्का, बाउंड्री लग रहा है लेमपुर की टीम की तरफ से। शानदार छक्के के साथ रन संख्या का गतिशील होता हुआ 180 रन 12वें ओवर की गेंदबाजी में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है 230 के ऊपर नजर आ रही है कोई बल्लेबाजी सलेमपुर की अगर बात की जाए तो, निश्चित तौर पर बड़े कदम बढ़ा दिया है सलेमपुर के बल्लेबाजों ने। गेंदबाज का बच्चे एक बार फिर से अगली गेंद और गेंद जाएगी चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, तो इन दो रनों के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ गोल्डन संख्या स्कोर बोर्ड पे 182 रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या, 12 ओवर की समाप्ति में चली है। मझवलिया बरही प्लांट प्रीमियर लीग सीजन 8 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, इस टूर्नामेंट के अध्यक्षता कर रहे बसंत बैठा जी, संरक्षक प्रखंड प्रमुख कटिया अनंत मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी छोटू बाबा, आयोजक इस टूर्नामेंट के राकेश मिश्रा, धर्मेंद्र बैठा, हरिश्चंद्र माझी, सूर्य बली माझी, गणेश मिश्रा, साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सहयोगी के तौर पर अपना योगदान देने वाले मृत्युंजय बैठा, अविनाश बैठा, मनीष कुमार, टुनटुन गुप्ता, विजय शर्मा और मनीष शर्मा, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आगे आने वाले ओवर में क्या होगा बताएंगे निजाम भाई, इन चार पंक्तियों के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूँ कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न ही मुस्लिम मुझे इंसान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न ही मुस्लिम मुझे इंसान लिख देना, लिखने वालों बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। निजाम भाई शुक्रिया फारूक भाई। तो पारी का तिरहवा ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर रवि को लगाया जा रहा है, चौथा ओवर रवि सेम स्ट्राइकर गेंदबाज है, दाहिने हाथ से ये गेंद अच्छी गेंद और गेंद को उठाकर खेला है शानदार स्ट्रोक बॉलर शॉट के ऊपर से 6 रन के लिए, और
की गई थी, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को मारने के लायक बनाया और क्रिकेट का जो गेम होता है ये फटाफट जो गेम होता है वो किसी भी तरीके से 60-65% बल्लेबाजों के पक्ष में झुका हुआ रहता है। अगली गेंद को हुक कर दिया है गेंद डीप फाइल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए एम्पायर हरीश का इशारा आता हुआ, जरा सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद फूक गए और हुक कर दिया गेंद को फाइल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, तो छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा, उछलता हुआ छलांगे मारता हुआ 194 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। आप फारूक भाई 230 के आसपास प्रेडिक्ट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि 250 के आसपास ये स्कोर पहुंचने वाला है। लोवर के ऊपर से उठाकर खेला है, शर्तिया बाउंड्री गेंद लोवर के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार बैटिंग कर रही है, छक्का निकलता हुआ, हैट्रिक छक्का लगाए, बताएंगे मृत्युंजय ये टूर्नामेंट का छक्का नंबर कितना है। रवि चले एडजस्ट किया और स्पर्शकेट को उछाल कर खेला है, नीचे खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और गेंद पेड़ से टकराने के बाद छक्के का इशारा आता हुआ। छक्के के साथ गगन का अर्धशतक पूरा होता हुआ। व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए गगन की तो 55 रन 17 गेंदों में ये 55 रन जिसमें 9 छक्के शामिल है। अंदाजा लगा सकते हैं कोई चौका या फिर कोई सिंगल या फिर कोई दुक्का नहीं, सिर्फ 9 छक्के और 1 सिंगल 9 छक्के और 1 सिंगल की मदद से 17 गेंदों में अब तक 55 रनों पर नवाज है गगन। और अच्छी खासी खबर ली है रन बनाकर खेल रहे हैं, एक सिंगल और 9 छक्के मारे हैं, ना चौका किसी भी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया, केवल 9 छक्के और 1 रन लेकर 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। 12.4 ओवर अकेले गगन ने उस मैच में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मैच का रुख लगभग बदल सा दिया था, लेकिन जैसे ही आउट हुए शिवकर सलेपुर की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और मेरे नजरों के सामने कम से कम उस पारी की पुनरावृत्ति करते हुए गेंदबाजी में तब्दीली, 2 गेंद शायद रवि थोड़े से सहज महसूस करते हुए पैर में शायद खिंचाव आ गया है मांसपेशियों में, फिलहाल उनको गेंदबाजी के मोर्चे से हटा लिया गया है। 2 गेंद बाकी है, उस 2 गेंद को फेंकने के लिए गेंदबाज का नाम हमें बता दें। लंबे ऊंचे कटकाटी गेंदबाज चले सर पिच गेंद और कट कर दिया, वहां पर फील्डर को दौड़ती हुई गेंद थर्ड क्षेत्र में चली जा रही है, दौड़ती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। काफी हद तक आज शिवनगर सलेमपुर के खिलाड़ियों का भाग्य ने भी साथ दिया है, पिछला जो शॉट था कट किया था, स्लिप क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था, दूसरी स्लिप की पोजीशन पे गेंद उनके सामने टप्पा खाने के बाद क्षेत्र रक्षक के सर के ऊपर से निकलती हुई डिफ्लेक्ट होकर सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर ना पहुंचा 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसमें किस गेंद को फुल टॉस पे लेते हुए व्हाइट मिडफील्डर बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, हवाई रास्ता तय करती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। सलेमपुर के टीम का भी रोमांचक टीम है, ना एक की ना दो की केवल बाउंड्री देखने को मिला, दोनों प्लेयर जो केवल बाउंड्री मारे जा रहे हैं। सलेमपुर के बल्लेबाज चाहेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना लिए जाए उतना ही अपने हित में अच्छा होगा, फिलहाल एक बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने जा रही है, एक बहुत बड़े टारगेट को अचीव करती हुई अग्रसर दिखाई दे रही है शिवकर सलेमपुर की टीम। शानदार बल्लेबाजी, शर्मा बता रहे हैं कि यह टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर था जिसमें 34 रन आए थे। फिलहाल एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर अब कोटे के दूसरे ओवर में पारी के 14वें ओवर में हिदायत अली उर्फ गुड्डू को मोर्चे पर लगाया जा रहा है, विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं, एक बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी 30 गज के घेरे पर एक तीसरी स्लिप की पोजिशन पर या फिर गली कह सकते हैं शॉर्ट कवर
लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप स्क्वायरलेट बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर इस फील्डिंग की जमावट के साथ गुडू चले। ये गेंद खेलना का यौ चाहते थे लेकिन गेंद शरीर से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुई और तब तक शॉर्ट कवर से खिलाड़ी भागे। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से दरअसल खिलाड़ी भागते गेंद को पकड़ के थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। इस रन की मदद से स्कोर तक पहुंचा 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर जबकि पारी गई। लग भाई का इशारा आता हुआ अंपायर थोड़ने लगा। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था। स्कोर है 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी के 14वें ओवर में। एक बार फिर से गुड्डू चले और अपने ही अंदाज में गेंद को पुल कर दिया है। गेंद डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के 4 रन के लिए। स्कोर का पहुंचता है इस चौके के मदद से 221 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 2.0 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है और निश्चित तौर पर जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 250 के आंकड़े को सलेमपुर की टीम छू जाएगी जो इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल गुड्डू एंड चेंज करने के बाद चले ये गेंद स्पर्शकर को उठाकर खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर वाइड मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। जो केवल बाउंड्रियों से बातें कर रहा है ना दुक्की ना चौका सॉरी ना दुक्की ना की कोई भी नहीं खेला है केवल बाउंड्री पे बाउंड्री खेल रहा है। मुझे लग रहा है फारूक भाई पौने 300 क्या कहेंगे। सही मायने में जिस तरीके का कदम बढ़ा दिया है सलेमपुर ने कहां तक जाके सलेमपुर की बल्लेबाजी थमेगी ये कैलकुलेशन बैठाना ठीक साबित नहीं होगा। बहुत विध्वंसक खेल दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद खेलना चाहते थे चूंकि पूरी तरह से गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई निकली विकेट के पीछे लेकिन जिस तरीके का काम किया है गगन ने गगन को चूमा है अपने स्ट्रोक से। 22 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी जिसमें 2 चौका और 11 छक्के शामिल। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है गोपालगंज और सलेमपुर के बीच जरा सा ज्यादा उछाल देखने को मिला। पिछले गेंद पे विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई थी छिटकी और जब तक दूसरे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को अपने कब्जे में किया जाता थ्रो किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को तय किया। इससे गेंद की मदद से स्कोर जा पहुंचा 228 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गगन भेदी छक्के निकले हैं गगन भेदी स्ट्रोक्स निकले हैं गगन के बल्ले से बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। ये गेंद कट कर दिया गेंद को किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद तमाम बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खतरनाक स्ट्रोक निकलता हुआ 81 शॉट ऑफ लेग गेंद ऑफसाइड के बाहर रन मिला बल्लेबाज के पास पूरा मौका ऑफसाइड में खेलने का कट कर दिया गेंद को। गेंद सीधे कवर बाउंड्री के बाहर ड्राइव किया था दरअसल 4 रनों के लिए चली गई। तो इस तरीके से 14वें ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 232 रन 4 विकेट के नुकसान पर और अब जबकि 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और इन 2 ओवरों में क्या कुछ होगा क्या कुछ घटने वाला है माइक्रोफोन पर फारूक अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई। 2 ओवर शेष बचे हुए 12 गेंदों के 232 और मजबूलिया प्रीमियर लीग के पूरे 7वें सत्र पे अगर नजर डाला जाए तो सभी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और हाईएस्ट स्कोर अचीव कर चुकी है सलेमपुर की टीम 232 रन। अभी तो ओवर के खेल शेष बचे हैं 12 गेंदों पे किस तरह से बल्लेबाजी रहती है गगन और धीरज के द्वारा स्ट्राइक पे धीरज है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज विनय। अगली गेंद को खेला सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा स्ट्राइक पे जाएंगे गगन। क्या शानदार बल्लेबाजी गगन ने की है और 11 गेंदें जब शेष बची है 11 गेंदों पे फिर कितने ज्यादा रन बनाए जाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। दो ओवर का मैच बना बचा है दोनों की व्यक्तिगत रन संख्या में ओवर की प्रगति 76 रन की शानदार पारी नॉन स्ट्राइक गेंद में है स्ट्राइक पे धीरे जा रहे हैं 233 रन हुआ है। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 237 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 237 रन शानदार चौका 237 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या
जरूरी सूचना बहुत बार गेंद को भेजा है, छह रन के लिए गेंदबाज बल्लेबाज से बाहर, धीरज के बल्ले से निकलने वाला शानदार शतक। दो सौ तैतालीस रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या छलांग मारकर जा पहुंचा है। और अभी सूचना आई है नितिन जी के कैलकुलेशन के मुताबिक कि जो मझमैया प्रीमियर लीग का तीसरा सत्र चल रहा था उसमें गोपालगंज की टीम की तरफ से बनाए गए थे 265 रन, क्या उसको भेज पाएगी बैक टू बैक छक्का जो कि क्या उसको भेज पाएगी यहाँ पर शानदार पारी खेला है पहुंचा है उस शानदार छक्के के साथ जो धीरज के बल्ले से निकला है। 11 गेंदों का सामना किया धीरज ने, 42 रन किया, फिर पारी खेलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज के लिए अगली गेंद और इस बार 115 मीटर दूर बहुत दूर गेंद को भेजा है, 6 रन के लिए गेंदबाज बल्ले से बाहर, 250 के आंकड़े को पार कर लिया है। यहां पर सलेमपुर की टीम ने 255 रन, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात रन 4 विकेट का ही कुल रन संख्या है हाईएस्ट टूर्नामेंट का 262 रन, बिल्कुल इसके करीब पे इशारा करने के लिए पहुंच चुकी है यहाँ पर सैयदपुर की टीम 255 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए भी नहीं, क्या शानदार बल्लेबाजी, सभी गेंदबाजों की इम्तिहान ली गई है सैयदपुर के बल्लेबाजों के द्वारा और खासतौर पर पांचवें विकेट के लिए इन दो बल्लेबाजों की अगर जिक्र की जाए तो सब कुछ अलग दिशा में घुमा दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद पवन से टकराई, सिंगल के लिए जा रहे हैं तेज गति से, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे सिंगल के साथ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 15 ओवर के समाप्ति के पश्चात 256 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ, 256 रन 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर समाप्ति पर, एक ओवर लास्ट विकेट, एक ओवर लास्ट ओवर बचा है जो 16वां ओवर फेंका जाएगा गोपालगंज के द्वारा। एक 114 रनों की पार्टनरशिप पांचवें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बहुत शानदार अद्भुत, जितनी तारीफ की जाए गगन और धीरज की कम है। मझमैया प्रीमियर लीग के अहम सेमीफाइनल में इस तरीके की पारी दोनों बल्लेबाजों ने खेली है, 76 रन पे नाबाद है गगन, 48 रन पे नाबाद है धीरज। अगली गेंद और शानदार छक्के के साथ धीरज यार सकर पूरा हो चुका है, गजब की पारी, पिछले मुकाबले के हीरो गुड्डू को आज जीरो बना दिया है इन दो बल्लेबाजों ने, गजब की तलाश ली गई है इस ग्राउंड के ऊपर, पहली गेंद और शानदार छक्का और इस छक्के के साथ अर्धशतक पूरा हुआ बल्लेबाज धीरज का। एक बार अगली गेंद और एक बार इशारे का इंतजार, छह रन के लिए गेंदबाज बल्ले से बाहर, बैक टू बैक दूसरा छक्का, छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के धीरज लगा रहे हैं शानदार छक्के के साथ, रन संख्या बढ़ता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 268 रन स्कोर बोर्ड पे, सलेमपुर की टीम ने मझवलिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जफर एंजेक आजमगढ़ और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सलेमपुर ने इतिहास रच दिया है, एक और छक्का, हैट्रिक छक्का, हैट्रिक छक्का धीरज बनाकर खेल रहे हैं, पारी खेला जा रहा है सलेमपुर द्वारा, बता दूं गोपालगंज तो चार छक्के मिले थे उनके पहले ओवर की गेंदबाजी में, लेकिन जैसे ही अपने कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वहीं से शुरुआत कर दिया बल्लेबाज ने जहां से छोड़ा था उनको पहले ओवर में, 274 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 132 रनों की शानदार पार्टनरशिप पांचवें विकेट के लिए, गेंदबाज चले, अगली गेंद शरीर से टकराई, सिंगल के लिए जाएंगे और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 275 रन। जब चौथा विकेट गिरा था तो एक समय लगा था
शायद 150 के आसपास रुकेगी सलेमपुर की टीम, लेकिन जब गगन और धीरज ने बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो सब कुछ गलत दिशा में मोड़ दिया है यहां पर इन दो बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ 276 रन स्कोर बोलते हैं। आखिरी गेंद पानी शेष और सामने है बल्लेबाज। इस ओवर में 3 छक्का लगा चुके धीरज। लास्ट गेना इस मैच अगले दिन को खेला जरूर। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, बहुत शानदार बचाव और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 277 रन 5 विकेट के नुकसान के पश्चात रन से लेकर द्वारा बनाया गया रन जो गोपालगंज ने बहुत ही बेकार गेंदबाज किया है। 256 रन सलेमपुर ने बनाकर खेला है जो कि इस पिच का हाईएस्ट रन है 256 रन। देर से आए दर्शकों को ये बात बता दी जाए कि आज पहले से